आखिर दो भागों में क्यों बटी होती है सांपों की जीभ? महाग्रंथ में छिपा है इस गहरे रहस्य का राज। दोस्तों आप सभी का स्वागत है डिस्कवर बेस पे। आज मैं आपको सांपों के बारे में कुछ खास चीजें बताने वाला हूँ कि सांपों की जीभ दो हिस्सों में क्यों बटी होती है। सांपों को देख कर की कई लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आपने भी अपनी जिंदगी में कई सांप देखे होंगे और इतना तो जरूर जानते होंगे कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों ऐसा क्यों होता है? सांपों की जीभ दो भागों में कटी हुई होती है, उसके पीछे का गहरा रहस्य छुपा हुआ है जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई महाभारत में सांपों की जीभ से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, इनमें से कद्रु भी एक थी। सभी नाग कद्रु की ही संतान है। वही महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम बिंदा था, जिनके पुत्र पक्षीराज गरुड़ हैं। एक बार महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियां कद्रु और बिंदा ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और बिंदा ने कहा नहीं सफेद है। इस बात पर दोनों ने शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा करके घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, ताकि घोड़े की पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। उस समय कुछ नाग पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को ही शाप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। शाप की बात सुनकर सभी नाग पुत्र अपनी माता के कहे अनुसार वह उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। जब विंता के पुत्र गरुड़ को यह बात पता चली कि उनकी माँ दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रु और उनके नाग पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसा कौन सा वस्तु ला कर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब नाग पुत्रों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत ला कर दोगे तो तुम्हारी माता हमारी माता के दासत्व से मुक्त हो जाएंगी। नाग पुत्रों के कहने पर गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा एक प्रकार की धार धार घास पर रख दिया। उन्हें सभी नागों से कहा कि अमृत पीने से पहले सभी स्नान करके आए। गरुड़ के कहने पर सभी नाग स्नान करने चले गए, लेकिन इसी बीच देवराज इंद्र वहां आ गए और अमृत कलश को लेकर वापस स्वर्ग चले गए। जब सभी नाग स्नान करके आए तो उन्हें देखा कि कुश पर अमृत कलश नहीं है। इसके बाद सांपों ने उस घास को ही चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा हुआ था। उन्हें लगा कि इस जगह पर अमृत का थोड़ा अंश जरूर गिरा होगा। ऐसा करने से उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन घास की वजह से उनकी जीभ दो टुकड़े में बट गई। इसी कारण दोस्तों सांपों की जीभ दो हिस्सों में बटी होती है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।